ग्रामीणों द्वारा किया जा रहा है श्रमदान। क्रेशर संचालकों के सहयोग से क्षतिग्रस्त रोड के गड्ढों पर डलवाए जा रहे पत्थर व मुरम। छतरपुर जिले के जनपद पंचायत लवकुश नगर में आने वाली ग्राम पंचायत दिदवारा की रोड, जो उत्तर प्रदेश की सीमा को जोड़ती है, वो विगत कई वर्षों से खस्ता हाल में पड़ी हुई है, जिसका निर्माण आज तक नहीं हो पाया। ग्रामीणों ने कई बार शासन प्रशासन के इस रोड को बनाने के लिए कई बार अर्जी लगाई, अनशन पर भी बैठे, पर आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। बरसात के समय इस रोड में बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, जिस पर बस, बड़े वाहन तो क्या पैदल भी निकलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में ग्रामीणों को जनपद तहसील कार्यालय, अस्पताल व अन्य कार्य हेतु ग्राम से बाहर जाने के लिए भारी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। दिदवारा निवासी नथु अहरवार, आनंद चौरसिया, कुंवर चौरसिया, हरगोविंद चौरसिया ने बताया कि रोड निर्माण के लिए शासन प्रशासन की अनदेखी के चलते जब कोई मदद नहीं मिली तो ग्रामीणों ने खुद रोड के गड्ढों में पत्थर मुरम डालने का काम शुरू कर दिया, जिसको देख ग्राम के समीप चल रही क्रेशर मंडी के संचालकों ने सहयोग देते हुए अपने डंपरों से मुरम लाकर गड्ढों में डालना शुरू कर दिया है। अंसार व संचालक के कंडक्टर शहीद खान व ड्राइवर मुमताज खान की अहम भूमिका से रोड पर मुरमीकरण कराया जा रहा, ताकि राहगीरों को खराब रास्ता से निकलने में राहत और बस का संचालन सुचारू रूप से हो सके। अशांक सिंह, बारीगढ़। चलती है हम लोगों का मोटर मालिक 20 साल से टैक्स जमा कर रहा है जी, और इस रोड की कोई सुनवाई नहीं हो रही। आउट एरिया से चलाते रहे हैं, बांस पहाड़ी चेक पोस्ट में हमारी गाड़ी खड़ी हो गई। हमने दिदवारे में कुछ आदमी से सहयोग लिया, हमारे प्रधान जी, पूर्व प्रधान जी हरगोविंद चौरसिया, उनसे कुछ हमने क्रेशर वालों से मदद ली, और ये हमारे नेताजी नाथुराम अहरवार दिदवारा से, इनके जरिए ये रोड का कुछ मुरमीकरण करवा रहे हैं। अभी तक चलती रही जो रहा रोड से। अच्छा, तो वहाँ पर से बंद हो गई? हाँ, वहाँ चेक पोस्ट में खड़ी करवा ली थी जी, बोले अपने रोड से चलाइएगा गाड़ी। तो ये रोड रोड ज्यादा खासा हालत थी क्या? हाँ, बहुत ज्यादा, बस ही नहीं निकल पा रही थी। इस वजह से आप लोग यहाँ मुरमीकरण का कार्य करवा रहे? कुछ सहयोग लिया है क्रेशरों वालों से, कुछ दिदवारा में प्रधान जी लोगों से, पूर्व प्रधान जी से, कुछ लोग वैसे जन सहयोग है गांव का, दिदवारा का। अच्छा अच्छा, और ओम ग्रेनाइट के संजय जोशी जी हैं प्रभारी, उनका भी सहयोग है इसमें। अच्छा, नहीं दिया। हमने आवेदन दिया, ज्ञापन भी दिया, ऐसी बात नहीं है, SDM साहब को दिया। तो उनके द्वारा क्या आश्वासन मिला? वो कह रहे थे हम करवा रहे हैं, यानी करवा रहे हैं काफी दिन से। तो उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया, कार नहीं हुआ? नहीं, अभी आज तक कौन कार नहीं हुआ। हमको इतनी दिक्कत है बारीगढ़ और दिदवारा मार्ग में कि पैदल नहीं चल सकते आदमी। तो ये कितने कितने किलोमीटर के मतलब ये रेंज में है ये रोड? ये करीब 3 किलोमीटर के रेंज में है। अच्छा, तो कौन सी जनपद में आता है ये? ब्लॉक लवकुश नगर की जनपद से आता है। अच्छा, तो इसी में सभी का मतलब सहयोग है? हाँ, सभी का सहयोग है।